बिहार में कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच एक बार फिर अपराधियों ने नीतीश सरकार को चुनौती दे दी है। मुंगेर में अपराधियों ने बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर अजफर शमशी को गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए आनन फानन में पटना के पारस अस्पताल में भर्ती किया गया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता को गोली मारकर अपराधी मौके से फरार हो गए। वहीं आज उनको देखने के लिए पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव पारस अस्पताल पहुंचे। इस दौरान सांसद रामकृपाल यादव ने उनका हालचाल जाना। फिलहाल बीजेपी नेता अजफर शमशी की हालत स्थिर बताई जा रही है। आप भी सुनिए घायल बीजेपी प्रवक्ता से मिलने के बाद सांसद रामकृपाल यादव ने मीडिया से क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता प्रोफेसर शमशी साहब को कल अपराधियों ने गोली मार दिया है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनकी वो पकड़ में भी आ गए। मैं आज उनको सुबह देखने भी गया था हॉस्पिटल में, हालत उनकी सीरियस है। पुलिस सतर्क है, सख्त है और अपराधियों को पकड़ रही है और उसको नियंत्रण भी कर रही है।